आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर टॉपिक से डील करेंगे। हमारे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का पार्ट वन आर्बिट्रेशन से डील करता है और पार्ट वन ए डील करता है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो पार्ट वन इज ऑल अबाउट आर्बिट्रेशन। पार्ट वन ए डील्स विथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया with a view to govern the provisions of arbitration and conciliation act. Arbitration and conciliation act 1996 में जो provisions हैं उन provisions को fulfill करने के लिए एक council के establishment के बारे में बात किया जाता है under part 1A of दिस पर्टिकुलर एक्ट जिसे हम कहेंगे आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। पार्ट टू डील करता है एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स। एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स जिसमें हमें न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड को समझना है और जिनेवा कन्वेंशन अवार्ड को समझना है। पार्ट थ्री डील करता है कंसीलिएशन से और पार्ट फोर डील्स विथ सप्लीमेंट्री प्रोविजंस। तो हमारा पूरा आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 इन पांच पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट वन आर्बिट्रेशन से डील करता है। पार्ट वन ए आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है। पार्ट टू एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स। पार्ट थ्री कंसिलिएशन एंड पार्ट फोर सप्लीमेंट्री प्रोविजंस। तो इस वीडियो में हम पार्ट वन ए विच इज आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर टॉपिक से डील करेंगे। अक्सर आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में लिखने को आता है, राइट? तो चलिए, व्हाट इज आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया? इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उन प्रोविजंस को गवर्न करता है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इज नोन एज ICA। इसे हम कहते हैं ICA, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन। तो चाहे आप इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन कहो या आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कहो, बोथ आर सेम। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1965। इसे 1965 में एस्टेब्लिश किया गया एज अ स्पेशलाइज्ड आर्बिट्रल बॉडी एट नेशनल लेवल अंडर द इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फिक्की सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। तो इस पर्टिकुलर काउंसिल को 1965 में इस्टेब्लिश किया गया, एक स्पेशलाइज्ड आर्बिट्रल बॉडी के तौर पे नेशनल लेवल पे। किसके इनिशिएटिव से? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फिक्की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
प्लस फिक्की ने मिलकर एक काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जो कि एक एपेक्स आर्बिट्रल काउंसिल की तरह एक्ट करता है नेशनल लेवल पे। इस ICA का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ICA? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ICA इज टू प्रमोट एमिकेबल इनएक्सपेंसिव एंड क्विक सेटलमेंट ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट्स, सेटलमेंट ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज। Amicable means friendly settlement of dispute between the parties without any kind of argument. तो parties के बीच friendly settlement of dispute हो, ये इसका objective है। Quick settlement of dispute हो और inexpensive settlement of dispute हो, यानी cost effective manner में disputes को resolve किया जाए। So this is the primary objective of Arbitration Council of India. So Arbitration Council of India किस act के basis पर work करता है? तो ये act करेगा Arbitration and Conciliation Act 1996 के provisions के basis पर, right? अगर हम देखें तो करेंटली मिस्टर अरुण चावला इसके डायरेक्टर जनरल हैं, मिस्टर एनजी खैतान इसके प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर रोहित रलान इसके वॉइस प्रेसिडेंट हैं। नाउ व्हाट आर द कोर फंक्शंस, क्या क्या कोर फंक्शंस हैं ICA के? व्हाट आर द कोर फंक्शंस ऑफ ICA? Cost effective and efficient administration of arbitration proceedings. Arbitration proceedings को cost effective manner में complete करना, ताकि parties का कम से कम expenses आए, right? This council governs the conduct of entire arbitration proceedings from its commencement to its termination in accordance with Arbitration and Conciliation Act 1996. So basically, Arbitration Council of India jis arbitration proceedings ko chalayega from the commencement to the termination of arbitration proceedings kin provisions ko follow karega? Arbitration and Conciliation Act 1996 के provisions को follow करेगा। In simple words, we can say that ICA governs the arbitration and conciliation proceedings in accordance with this act. तो ICA arbitration and conciliation proceedings को govern करता है, या ICA arbitration and conciliation proceedings को start करता है on the basis of provisions laid down in Arbitration and Conciliation Act 1996, right? अब देखो, section 43A deal करता है, section 43A deal करता है Arbitration Council of India के definition से। It deals with definition of Arbitration Council of India. 43B deal करता है establishment and incorporation of Arbitration Council of India से। 43C deal करता है composition of council, और 43D deal करता है
ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ काउंसिल। राइट, चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन 43A जो कि ICA को डिफाइन करता है। सेक्शन 43A which defines Arbitration Council of India, the first point is chairman means chairperson of ICA under clause A of subsection 1 of section 43C. अब सिंपल समझो, इस पर्टिकुलर एक्ट में जहां कहीं भी चेयरमैन वर्ड है उस चेयरमैन से मतलब हमारा है ICA का चेयरपर्सन। राइट, दूसरा काउंसिल मीन्स आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश अंडर 43B और काउंसिल का मतलब है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 43B, क्योंकि सेक्शन 43B कहता है इस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और तीसरा मेंबर मींस मेंबर ऑफ काउंसिल एंड इंक्लूड्स चेयरपर्सन। तो सेक्शन 43A सिंपल वर्ड्स में ये कहता है कि इस एक्ट के तहत जब कभी भी हम काउंसिल वर्ड को रेफर करेंगे तो हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। जब कभी भी हम चेयरमैन के बारे में बात करेंगे तो हम ICA के चेयरमैन को रिप्रेजेंट करेंगे, और जब कभी भी हम मेंबर्स के बारे में बात करेंगे तो वो मेंबर्स ICA के होंगे इंक्लूडिंग चेयरमैन। राइट, सेक्शन 43A कंप्लीट। अब सेक्शन 43B क्या कहता है, इस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इसे समझ लो, सेक्शन 43B, सेक्शन 43B पॉइंट 1, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट के नोटिफिकेशन के द्वारा इस्टेब्लिश फॉर मीटिंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अ काउंसिल टू बी नोन एज आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो पॉइंट 1 कह रहा है इट इज अप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके इस एक्ट के प्रोविजंस को फुलफिल करने के लिए एक काउंसिल को इस्टेब्लिश करेगा, जिस काउंसिल को हम कहेंगे आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरा काउंसिल शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, जो काउंसिल होगा वो बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म में होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कोई कंपनी दैट इज कंसिडर्ड टू हैव इट्स ओन लीगल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कोई कंपनी जिसके अपने लीगल राइट्स होते हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसे हम कहते हैं कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट।
यानी ये जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया होगा वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा जिसके अपने लीगल राइट्स होंगे, लीगल लाइबिलिटीज होंगे लाइक अ कंपनी। और अगर कोई काउंसिल बॉडी कॉरपोरेट है इट मींस इट पॉजेज सम बेसिक फीचर्स, वो कुछ बेसिक फीचर्स को अपने आप में समेटे हुए हैं। जैसे पहला परपेचुअल सक्सेशन मींस जो एग्जिस्टेंस होगा इस पर्टिकुलर काउंसिल का वो हमेशा के लिए होगा, इट विल बी फॉर एवर। मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट दिस बॉडी कॉरपोरेट विल गोज ऑन फॉर एवर। यानी परपेचुअल सक्सेशन मीन्स इसका जो एग्जिस्टेंस होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और इसका एग्जिस्टेंस मेंबर्स के आने या मेंबर्स के जाने से प्रभावित नहीं होगा। एंड इट विल गो ऑन फॉर एवर, ये हमेशा के लिए रहेगा। परपेचुअल सक्सेशन इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ कंपनी, राइट। दूसरा क्या है, कॉमन सील, इसका अपना एक कॉमन सील होगा। तीसरा इट मे एक्वायर, यानी ICA मे एक्वायर एंड होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल। तो ICA क्योंकि एक बॉडी कॉरपोरेट है तो ये किसी प्रॉपर्टी को चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है या किसी दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकती है। तीसरा मे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट में अपने नाम से एंटर कर सकती है ICA और किसी पर्सन के खिलाफ सूट फाइल कर सकती है या कोई पर्सन इसके नाम से सूट फाइल कर सकता है। तो वंस एन इंस्टीट्यूशन और अ काउंसिल बिकम्स बॉडी कॉरपोरेट इट शोज दीज बेसिक फीचर्स, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, मे एक्वायर होल्ड डिस्पोज प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, मे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट सूड बाय नेम और सू अदर्स। तीसरा पॉइंट हेड ऑफिस शैल बी एट दिल्ली, हेड ऑफिस कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। फोर्थ पॉइंट काउंसिल में विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश ऑफिसेस एट अदर प्लेसेस इन इंडिया। तो इस काउंसिल के पास ये पावर है कि ये काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेकर के देश के अन्य जगहों पर भी अपना ऑफिस खोल सकती है, राइट। तो ये तो था सेक्शन 43B एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ दिस काउंसिल, यानी इस काउंसिल का कॉम्पोजिशन क्या होगा, कौन कौन इसके मेंबर्स होंगे, उनका क्या क्वालिफिकेशन होगा, कौन चेयरपर्सन होगा। तो वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो सेक्शन 43C डील करता है कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से। और ये कहता है दिस काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स, इस काउंसिल में ये मेंबर्स होंगे। पहला
अ पर्सन हु हैज बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं या किसी हाई कोर्ट के जज या कोई एमिनेंट पर्सन, कोई प्रतिष्ठित पर्सन, हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन कंडक्ट और इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्बिट्रेशन बी अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरमैन। तो पॉइंट वन ये क्लियर करता है कि चेयरमैन कौन होगा, एक पर्सन जो इन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता हो वही इस पर्टिकुलर काउंसिल का चेयरमैन बनेगा। एक पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं या किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे उन्होंने सर्विस दी है या किसी हाई कोर्ट के जज के तौर पे वो रहे हैं या एक पर्सन जिनका आर्बिट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन और आर्बिट्रेशन कंडक्ट में एक स्पेशल नॉलेज है, एक स्पेशल स्किल है, वही इस काउंसिल के चेयरमैन होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्सन को चेयरमैन अपॉइंट करेगा बाय टेकिंग कंसल्टेशन विथ सीजेआई। राइट, दूसरा, एमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर। तो एक प्रतिष्ठित आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, एक्सपीरियंस है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में, दोनों ही केसेस में डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल, वो इस काउंसिल के मेंबर के तौर पे अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा, एन एमिनेंट एकेडमिशियन हैविंग एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड टीचिंग इन फील्ड ऑफ आर्बिट्रेशन एंड एडीआर लॉज। तो एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद या एक प्रतिष्ठित टीचर, प्रोफेसर कह सकते हो, जिनके पास एक्सपीरियंस है आर्बिट्रेशन के फील्ड में टीचिंग का, रिसर्च का, एज वेल एज एडीआर लॉज के ऊपर उनका अच्छा पकड़ है, तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चेयरमैन के कंसल्टेशन से मेंबर अपॉइंट किया जाएगा। और कहता है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में सेक्रेटरी रह चुके हैं या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में थे या उनका रिप्रेजेंटेटिव नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी मेंबर होगा एक्स ऑफिसियो। राइट, तो एक पर्सन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में सेक्रेटरी रह चुके हैं या मिनिस्टर हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस या इन दोनों में से किसी पर्सन का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव भी है जिसे वो मेंबर बनाना चाहते हैं तो उसका रैंक ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे नहीं होना चाहिए। तो दीज पर्सन्स हैव राइट टू बिकम मेंबर इन आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। राइट, चलिए अब हम बात करेंगे सेक्शन 43D के बारे में, जो कि कहता है ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ काउंसिल। इस पर्टिकुलर काउंसिल का क्या ड्यूटीज है, क्या फंक्शंस है। ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। पहला, ड्यूटी टू टेक ऑल सच मेजर्स व्हिच सीम्स नेसेसरी
टू प्रमोट एंड एनकरेज आर्बिट्रेशन। ICA का ड्यूटी है कि वो उन सभी स्टेप्स को फॉलो करे, उन सभी मेजर्स को अपनाए जो कि आर्बिट्रेशन को प्रमोट करे, आर्बिट्रेशन को एनकरेज करे। ना केवल आर्बिट्रेशन एज वेल एज मेडिएशन काउंसिल और अदर ADR मैकेनिज्म को, एंड फॉर दैट पर्पस टू फ्रेम पॉलिसी एंड गाइडलाइंस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन मेंटेनेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन से जुड़े मैटर्स को लेकर के ICA के पास पावर है कि ये पॉलिसीज बना सकता है, रूल्स बना सकता है, गाइडलाइंस स्टैंडर्ड्स सेट कर सकता है। दूसरा, फ्रेम पॉलिसीज गवर्निंग ग्रेडिंग ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस। आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को ग्रेडिंग प्रोवाइड करने के लिए एक पॉलिसी भी बना सकती है ICA, क्योंकि हमने जाना है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो दूसरे स्टेट्स में इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश कर सकती है विथ प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उनके ग्रेडिंग के लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया पॉलिसीज बना सकती है। तीसरा, रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग एक्रेडिटेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स को रिकॉग्नाइज कर सकती है जो आर्बिट्रेटर्स को मान्यता प्रदान करते हैं। मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग पर्सनल ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस। आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को रिकमेंड कर सकती है कि वो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे और बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से आर्बिट्रेटर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये सभी, मेक रिकमेंडेशंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन वेरियस मेजर्स बी अडॉप्टेड टू मेक प्रोविजन फॉर इजी रिजोल्यूशन ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट्स। ICA सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दे सकता है कि कैसे जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं उन्हें और भी इजी तरीके से किसी अदर मैकेनिज्म के थ्रू रिजॉल्व किया जाए। राइट, तो दीज आर सम चीफ ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ काउंसिल, एंड इट इज इनफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। राइट, अगर केवल आप इतने ही बातों को वहां पर लिख करके आ जाते हो तो ये अपने आप में सफिशियंट है और अपने आप में कंप्लीट है। राइट, तो ये था आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी। अगर आपको ये सभी पॉइंट्स समझ में आए हैं तो आप अपने वर्ड्स में इसे डिफाइन कर सकते हो। राइट, तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।